जय हिंद कैडेट। मैं सेकंड ऑफिसर ट्विंकल मजेठिया एनसीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है एनसीसी से लीडरशिप एंड मैन मैनेजमेंट, नेतृत्व एवं मानव प्रबंधन। सबसे पहले हम नेतृत्व क्या है। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। सबसे पहले नेतृत्व। नेतृत्व कमांड की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थितियों में नेतृत्व करता है। यहाँ पर नेतृत्व यानी कोई भी परिस्थिति हो, जो नेतृत्व कर रहा है उसको हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, उसका उद्देश्य यही होता है। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक निश्चित कार्य सिद्ध करते हैं। यानी कि कोई भी एक निश्चित कार्य करने के लिए कोई एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है जो सबकी सहायता लेता है। कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियाँ यानी कि लीडरशिप स्टाइल को देखेंगे। नेतृत्व शैली के तीन प्रकार की होती है। एक सत्तावादी, जिसको हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं। एक है प्रजातांत्रिक, जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। और तीसरी है हस्तक्षेप या तो अबंधन नेतृत्व शैली, जिसको लेजिस्फेयर कहते हैं। यह तीन प्रकार की नेतृत्व के गुण होते हैं। नेता के गुण या लक्षण क्या क्या होते हैं। उच्च आचरण, साहसिक, अस्वार्थता, व्यवहार कुशलता, यह सारे गुण नेता के लक्षण, जिसको हम गुण या तो लक्षण बोल सकते हैं। नेता के गुण या लक्षण में कैसे आता है, पूरा का पूरा लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं, उसका पूरे का पूरा उसके लेटर के ऊपर से कौन कौन से लेटर का क्या क्या मतलब या तो क्या बोल सकते हैं हम। जैसे निष्ठावान, उत्साही, सतर्क, अनुशासित, ऊर्जावान, विश्वसनीय, ईमानदार, स्वस्थ, बुद्धिमान और धैर्यवान। यहाँ पर लीडरशिप का पूरा जो एक एक लेटर है उसको हम कैसे उसका अर्थ कर सकते हैं, फिर आगे देखेंगे। नेता के गुण या लक्षण, सबसे पहले उच्च आचरण यानी बेयरिंग क्या है। नेता में उच्च श्रेणी का आचरण हो, अभद्र वह व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग न करे, अपने अधीनस्थों के हित का सदा ध्यान रखे। यानी कि नेता में कैसा आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह अभद्र भाषा या तो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग न करता हो और अपने साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसका हित सदा ध्यान में रखे, ऐसा हो। नैतिक बल वह साहस यानी कि हाई मोरल और करेज होना चाहिए। अच्छे नेता को विषम परिस्थितियों में साहस, शांति और दृढ़ता से उच्च नैतिक बल का परिचय देना चाहिए, जिससे अधीनियों का उसमें विश्वास कायम हो सके। यानी कि उनके साथ जो काम करते हैं उनका विश्वास उनको सदैव बनाए रखना है। और कैसी विषम परिस्थितियाँ यानी कि परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो तो भी उनको क्या करना चाहिए, साहस और शांति रख के दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता। एक अच्छा नेता सभी तथ्य इकट्ठे करके तुरंत सही निर्णय लेता है और ठीक समाधान करता है। यानी कि सही समय पर सही निर्णय का उसका उसकी डिसीजन क्षमता होनी चाहिए। नेता के गुण या लक्षण को चौथा देखेंगे, सहनशीलता, एंड्यूरेंस। एक अच्छा नेता को दुख, कठोर काम, दबाव व अपरिवर्तित परिस्थितियों में भी धैर्य से कार्य करने की शक्ति
होनी चाहिए, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे सहन हो सके या ना हो सके, ऐसी भी परिस्थिति में उसे क्या करना है, अपने कार्य की धैर्य को बनाते हुए कार्य को करना है, और उसके लिए उसको अपने धैर्य से कार्य को पूर्ण करके, चाहे दुख हो, कठिन हो, कोई भी ऐसा दबाव उसके ऊपर हो, फिर भी उसको अपने धीरज से काम लेना है, सहनशीलता होनी चाहिए। पांचवा है विश्वसनीयता, डिपेंडेबिलिटी। उच्च अधिकारी के आदर्शों को चुस्त खुशी से पालन करना तथा उनके बिना सलाह की भी उनको कमांड द्वारा दिए गए निर्णय को पूर्ण सक्रिय समर्थ एक इच्छा नेतृत्व गुण है, यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए, उच्च अधिकारियों के आदेशों का चुस्त पालन करना चाहिए और बिना सलाह के भी दिए गए निर्णय का पूर्ण रूप से उनको पालन करना चाहिए। पहल करने की क्षमता, एलेनिसिटी। उच्च आदेश न मिलने की स्थिति में अपनी बुद्धि व विवेक से परिस्थिति अनुसार अकर्मणा से बचते हुए कार्य की पहल करने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आदेश नहीं मिलता है तो भी अपनी बुद्धि से, यानी कि जैसा भी टाइम है, अगर ख़राब टाइम चल रहा है तो उसमें भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके विवेक से परिस्थिति अनुसार, विवेक से यानी कि जो काम हो सकता है वैसे करने से परिस्थिति अनुसार उनको अकर्मणता से बचते हुए, यानी कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी को तकलीफ हुए, उससे बचते हुए उनको योग्य रूप से कार्य करना है। पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। सातवां देखेंगे उत्साह, एंथ्यूजियाज्म होना चाहिए। कार्य करने से जोश, स्वाभाविक रुचि, आनंदपूर्वक आशावादी दृष्टिकोण, जिससे अधीनस्थ सोत्साह अनुसरण कर सके, यानी कि उत्साह होना चाहिए काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता है तो उनका उत्साह मर जाए या तो वह काम न करे, लेकिन उनमें काम करने का उत्साह होना चाहिए, उनकी रुचि होनी चाहिए और वह जो काम करता है वह आनंदपूर्वक होना चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण, यानी कि हर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, कि आशा रखनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा ही होगा, जिससे उसके साथ काम करने वाले हैं वह क्या हुए, जो उनका उत्साह है वो बना रहे। आठवां देखेंगे सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। पूर्ण सत्यतावादी, ईमानदारी, नैतिक सिद्धांतवादी और सीधे चरित्र वाला सत्यनिष्ठ कहलाता है, जो एक बहुत बड़ा नेतृत्व गुण है। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, पूर्ण सत्यवादिता, ईमानदारी, यानी कि सच्चाई से काम करना, ईमानदारी से काम करना, नैतिकता के सिद्धांत होने चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए अपनी नैतिकता नहीं छोड़ता है। सीधे चरित्र वाला, सीधे चरित्र वाला यानी कि अच्छा चरित्र वाला, सत्यनिष्ठ, सत्य ही बोलने वाला, सच्चा काम करने वाला कहलाता है, जो एक बहुत बड़ा नेतृत्व का, यानी कि ये जो गुण है वह बहुत बड़ा नेतृत्व का गुण है। नौवां देखेंगे न्याय, जस्टिस होना चाहिए। निष्पक्ष होकर तथ्यों की सही जांच करके दंड देने का गुण होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, सभी को पूरी परिस्थिति को समझे और सबको सुने, से ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और न्याय कर दिया, लेकिन सबको सुनने के बाद, सोच विचार करने के बाद ही निर्णय देना चाहिए। ऐसा निष्पक्ष होकर तथ्यों का सही जांच करके दंड देने का गुण भी होना चाहिए। दसवां देखेंगे वफादारी, लॉयल्टी होनी चाहिए। राष्ट्र, वरिष्ठ अधिकारियों, सहयोगियों तथा अधीनस्थों के प्रति निष्ठावान वह विश्वास अर्जित करना और अन्य लोगों से आदर पाने के गुण होने चाहिए, यानी कि राष्ट्र के लिए, वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, सहयोगी तथा अधीनस्थों, यानी कि जो उनके साथ काम करते हैं उनके प्रति भी उनकी निष्ठा और विश्वास होना चाहिए, यानी कि जिसके साथ भी वह काम करते हैं उनको उनके ऊपर
विश्वास होना चाहिए और वह निष्ठावान होना चाहिए। सामने वाला उसके ऊपर विश्वास करे ऐसा विश्वास उसको दिलाना है और अन्य लोगों से आदर पाने का गुण होना चाहिए या और दूसरे लोग हैं उसको भी वह आदर उसका करने चाहिए। वैसे उनको उनके साथ डील करना है या तो उनके साथ काम करना है। 11वां व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। टैक्ट मानव स्वभाव वह भावनाओं को परखते हुए भले झोल से रचनात्मक समालोचना के साथ बिना हतोत्साहित हुए नियम अनुसार कार्य करना ही व्यवहार कुशलता है। यानी कि उनमें व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, किसी को हतोत्साहित नहीं करना है, यानी कि किसी को डीमोरल नहीं करना है और नियम अनुसार कार्य भी करना है और सबके साथ व्यवहार अच्छा भी रखना है। तो ऐसा व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। मानव स्वभाव वह भावनाओं को परखते हुए, सामने वाला की भावनाओं को समझते हुए उनको उनके साथ व्यवहार कुशलता से काम करना चाहिए। 12वां है निस्वार्थता, यानी कि अनसेल्फिनेस जिसको हम बोलते हैं, अपने निजी स्वार्थ से बचते हुए अधीनिष्ठों के अच्छे कार्य की प्रशंसा और विपत्ति में उनका साथ देना चाहिए। अधीनिष्ठ यानी कि यहाँ पर उनके नीचे जो काम करते हैं, या तो उनके साथ रहकर जो काम करते हैं, या तो उनके ऑर्डर को जो मानते हैं, या तो उनके बनाए गए काम को वह पूरा करने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उसको क्या करना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ से बचते हुए अधीनिष्ठ यानी काम करने वाले लोगों को के साथ अच्छे कार्य की, यानी कि जो साथ में लोग काम कर रहे हैं उन अगर वह अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और विपत्ति में उनका साथ देना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है या कोई तकलीफ है तो भी उनमें उनका साथ देना चाहिए, यानी कि निस्वार्थ होना चाहिए। प्रभारी नेतृत्व के सिद्धांत, प्रभारी यानी कि जो यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है, प्रभारी यानी मुख्य रूप से जो ऊपर है उसको हम प्रभारी बोलते हैं, तो उनके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा समझ सक्षम होना, काम करने के लिए एलिजिबल होना, अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार, अपने अधीनिष्ठ व्यक्ति को जानना और उनके कल्याण की भावना, आदर्श प्रस्तुत करना यानी एग्जाम्पल प्रस्तुत करना, अच्छा काम करके एग्जाम्पल देना, अधीनिष्ठों को कार्य की सूचना देना, कार्य समझना, निवारण तथा कार्य की पूर्ति, अधीनिष्ठों में टीम भावना का विकास करना, यानी कि जो साथ में काम करते हैं उनको सबको साथ में लेकर साथ में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही और सामाजिक निर्माण, काम भी सही करना है और समाज में उसका अच्छा एग्जाम्पल भी देना है, अधीनिष्ठों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य, यानी कि जो व्यक्ति है साथ में काम कर रहा है उसमें कितनी कैपेसिटी है, या तो कौन सा काम कौन कर सकता है, उनके अनुसार उनको कार्य करवाना, अधीनिष्ठों के कार्यों के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना, यानी कि सब साथ में काम करते हैं तो उनका उत्तरदायित्व भी लेना, यानी कि उनको ऐसा जताना कि आप काम करो मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं भी आपके साथ हूँ, उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना। यहाँ पर 2-3 पिक्चर दिए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नेतृत्व का मतलब है लोगों को सही रास्ता दिखाना, तानाशाही करके हुकूमत करना नहीं, यहाँ पर एलिफेंट यानी कि हाथी को बताया है और उसके साथ संगठन का भी मतलब बताया है। संगठन का मतलब है सामाजिक विकास व्यवस्था और सुरक्षा, अनुशासन, मर्यादा और दूसरों के लिए सम्मान, निजी लाभ नहीं। यहाँ पर जो हाथियों के झुंड होते हैं वो आगे एक जो लीडर होता है वो चलता है और उसके वही रास्ते पर पूरा का पूरा झुंड चलता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा हो कुछ की केवल इच्छा होती है और अच्छे लीडर ये कर दिखाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा हो कुछ ही केवल
अच्छा होता है होती है और अच्छा लीडर वो कर दिखाता है। यानी कि कोई लोग ऐसा सोचते हैं, कोई करने की क्षमता लगता है, लेकिन जो अच्छा लीडर होता है वो ऐसा करके दिखाता है। जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ान नहीं भरते हैं। यानी कि उड़ान भरने वाले होते हैं वो, उसे गिरने का डर नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो नेतृत्व वाला जो हमारा पूरा टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।